नया भवन का शिलान्यास हो रहा है। अपने भूतपूर्व बोर्ड के सभी सदस्यों, समिति के सभी सदस्यों की तरफ से मैं मंत्री जी का बार बार धन्यवाद करता हूं। और जब ये भवन बनकर तैयार हो तो मैं चाहूँ से युवाओं इस अवसर पे विभाग में काम करे और अगर उसी काम नहीं करते इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और भवन के अलावा भी, क्योंकि चुनाव भी सामने है और वास्तव में कई वक्ताओं ने उस तरह विचार नहीं किया, इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि समय से पेमेंट हो जाए। और जैसा महाराज सिंह जी ने कहा, ये वास्तव में सवाल रहता है, अगर कुछ गन्ना मिल पेमेंट कर देती है और कुछ नहीं कर पाती तो उसके लिए क्या चीज कहा जाए। रिकवरी इतनी है, सरकार वही है, नीतियाँ वही हैं, तो फिर एक जगह अगर पेमेंट हो जाए, चार जगह नहीं होता या कुछ विशेष जगह नहीं होता तो वास्तव में एक सवाल होता है। और डीसीओ भी यहाँ हैं, आचार संहिता से पहले अगर पेमेंट ना करे तो मुकदमे की धमकी बहुत बार दी गई, लेकिन करके दिखाओ उसे। एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, एशिया का, जैसे ही आप मेरठ खत्म करोगे और गढ़ पहुंचोगे फोर लेन से, तो गढ़ से लेके प्रयागराज तक केवल घोषणा नहीं है, सारी जमीन एक्वायर होगी। प्रधानमंत्री ने शाहजहानपुर में शिलान्यास कर दिया और अगले साल गढ़ से लेके प्रयागराज इसी रास्ते से जाओगे आप। इतनी बड़ी तैयारी सड़क की शुरू होगी, 750 किलोमीटर है। बराबर में बारिश हो, हमारे दो गुना ना पड़े तो हमें तो सही लगे, कहीं बारिश हुई नहीं, क्योंकि बात सही है। गलत तीन फैसले हैं चीनी के क्षेत्र के। एक फैसला ये कि यूपीए सरकार में चीनी की इंपोर्ट ड्यूटी 15% थी, 15%। 2000 में पाकिस्तान से चीनी चलती थी, हिंदुस्तान में आते आते 15% पे 2000 रुपए कर लो आप, 300 रुपए हो गए, 2300 रुपए में भारत आ जाती। वो यहां की चीनी 2900 रुपए थी, वहां की थी 2300, इसलिए यहां की चीनी साइड होगी, वहां की चीनी आ गई और 2012 में 10 लाख मीट्रिक टन चीनी बाहर से आई, वो रिफाइन कर दी, रिफाइन करके 100 रुपए की लागत लगी, वह 2400 रुपए में तैयार हो गई, हमारे वाली 2900 रुपए में तैयार हो रही थी। तो भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोग और उस डेलीगेशन में कुछ किसान नेता थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, सब इकट्ठे होकर के गए दिल्ली। मैं भी था, हमारे डॉक्टर संजीव बाजान जी भी थे, हमारे डॉक्टर सतपाल सिंह भी थे और हमारे बहुत वरिष्ठ लोग थे। और उन्होंने जाके एक मांग करी प्रधानमंत्री से कि ये इंपोर्ट ड्यूटी जो है इसे आप बढ़ाकर 15% से 25 कर दो। उन्होंने कहा 25 से क्या लाभ होगा, कि 25 से लाभ ये हो जाएगा, जब भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी तो बाहर से यदि चीनी आनी है तो 300 की जगह 25 यदि हो जाएगी, 25 दूनी 50, 2500 की आएगी। नहीं, आज सहकारी गन्ना समिति शामली भवन का शिलान्यास हुआ है और हमारे हजारों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं। हमारे MLC श्री वीरेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय विधायक श्री तेजेंद्र निर्वाल जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ मौजूद हैं, अधिकारीगण मौजूद हैं, किसान भाई मौजूद हैं और सब में खुशी की लहर है और सब धन्यवाद कर रहे हैं आदरणीय योगी जी का कि वर्षों से जिस भवन के निर्माण का इंतजार था, वर्षों से किसान जिस भवन के निर्माण की मांग करता था, आज मान्य किसानों के उस मांग को पूरा करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने शामली को एक नया सोसाइटी का भवन दिया है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन बन के तैयार होगा, 2 मंजिला होगा, यहाँ किसानों के बैठने के लिए सुविधा होगी, पानी की सुविधा होगी, अन्य सुविधाएं होंगी, कुल मिलाकर के साफ़ सुथरा वातावरण। और किसान भाइयों का योगदान देश के निर्माण में है, किसान भाइयों के योगदान के बिना देश अधूरा है और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उनका भरपूर सम्मान हो, बैठने की उचित व्यवस्था हो, सोसाइटी में आने वाले किसान के लिए तमाम प्रकार की जानकारी हो, विकास संबंधी सारे विषयों की यहाँ जानकारी हो। गन्ने के क्षेत्र में ये क्षेत्र बहुत अव्वल क्षेत्र है, तो यहाँ किसान को तकनीक के साथ जोड़ना, किसान को तमाम सुविधाओं की जानकारी देना,
किसान को उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के जितने कार्यक्रम हैं उनके साथ जोड़ना, उसके लिए सोसाइटी की मुख्य भूमिका होती है और सोसाइटी एक सेतु का काम करता है। और मैं कह सकता हूं कि ये सोसाइटी का जो शिलान्यास है, इस भवन का निर्माण एक नई क्रांति के साथ इस क्षेत्र को और मजबूती देगा। और पहले से यहाँ का किसान बहुत मेहनत कश है, बहुत उन्नतशील है, लेकिन और उन्नति के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की तरक्की में योगदान करेंगे। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।